नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट वेद। मैं हूं वेद प्रकाश, हमारे साथ है राजेश कुमार भारती। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार के अलग अलग जिलों से 17 शिक्षकों को सम्मानित किया गया आज शिक्षक दिवस के अवसर पर। उसी में एक शिक्षक हैं, राजेश कुमार भारती, नवादा से हैं। नवादा के सिरदला प्रखंड के हिमजा भारत उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं। इनको राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। मध्य विद्यालय हिमजा भारत सिरदला जिला नवादा, श्री राजेश कुमार प्रखंड शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय हिमजा भारत सिरदला जिला नवादा। श्री सुनील राम प्रधान अध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय संतुआ रफीगंज जिला औरंगाबाद, श्री सुनील राम प्रधान अध्यापक। और ये चेक मिला है 15,000 का। और राजेश कुमार भारती ने एक बहुत ही बेहतरीन काम करने का निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि इनको जो राशि मिली है, पुरस्कार राशि 15,000, इसे वो केरल के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके पुनर्वास के लिए दान करेंगे। ये अपनी जो राशि इनको मिली है उसको वापस करेंगे। हम इनसे बात करेंगे कि ये निर्णय कैसे लिए। राजेश जी, मैं ये कहूँगा कि जो मीडिया में कवरेज था केरला बाढ़ का, जो आपदा थी वहाँ पर का जो स्थिति था, वो सारे करंदन को देखने के बाद किसी को भी लगता कि वो भारत का एक कोना है, एक हिस्सा है जो काफ़ी पीड़ित है हमारे भाई। तो शिक्षक को राष्ट्र निर्माता माना जाता है, राष्ट्र हित सोचना अधिक प्रायोरिटी बनती है शिक्षकों को। आज जब मुझे यह सम्मान मिला शिक्षक दिवस के अवसर पे, तो मुझे लगा कि ये जो राशि है इससे ही मैं पहल करूं और समाज को भी मैं प्रेरित करूं कि ऐसे घड़ी में पूरे देश का एक एक कोना हमारा है, हम पूरे देश के हैं और हम सबको मिलकर के खड़ा होना चाहिए। इससे न सिर्फ आपका बल्कि बिहार के जो नियोजित टीचर हैं उन सबका मान बढ़ा है और आपके विद्यार्थियों का मान बढ़ा है, आपके जिले नवादा जिले का मान बढ़ा है। अगर आप नवादा जिले से हैं तो आपके लिए गौरव की बात है कि आपके जिले में इस तरह के शिक्षक हैं। और वो भी खास बात यह है कि नियोजित शिक्षक, जिन्हें कभी चरहजरीवा मास्टर कह के अपमानित किया जाता था क्योंकि इनकी बहाली 4,000 रुपये से हुई थी, आज वही जिन शिक्षक को अपमानित किया जाता था ये कह के कि चरहजरीवा टीचर हैं, कहा जाता था ऐसा। हाँ, काफ़ी हम लोगों को झेलना पड़ा है इन बातों को और आज भी कर्तव्य को लेकर करके शिक्षकों को शिकायत का मौका मिलता है। और उस समय पैसे को लेकर के काफ़ी हम सबों को प्रताड़ित किया जाता था, चरहजरीवा मास्टर के तौर पे जाने जाते थे। चरहजरीवा मास्टर कह के इन लोगों को अपमानित किया जाता था, आज वही शिक्षक पूरे देश में और बिहार खास करके बिहार राज्य को गौरवान्वित कर रहे हैं। चूँकि बिहार की राशि केरला जाएगी तो ये खबर नवादा बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगी क्योंकि मामला अंतर्राज्यीय हो गया है, दूसरे राज्य का हो गया है। तो ये एक नेशनल खबर है कि बिहार के एक नियोजित शिक्षक ने केरल में जो बाढ़ आई है उस बाढ़ में जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता के लिए अपनी जो राशि है पुरस्कार राशि उसे देने का निर्णय लिया है। और सबसे बड़ी बात कि नियोजित टीचर जो है बिहार में करीब कितने, 3 लाख से ज्यादा नियोजित, 3.5 लाख, उनका प्रतिनिधित्व भी आप करते हैं। हाँ, मैं किसी एक संघ के माध्यम से, जो मैं खुद उसे राष्ट्रीय स्तर पर लीड करता हूँ, जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संघ, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए खास करके इसे जाइए। तो एक और बड़ी बात है कि ये जो शिक्षक हैं राजेश कुमार भारती, जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया और इतनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो इनको राशि मिले वो प्रोत्साहन राशि, तो वो पुरस्कार राशि केरल बाढ़ पीड़ित को देंगे, ये अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। तो ये जो ये और बड़ी बात है कि अगर किसी दूसरे राज्य में कहीं भी दुख तकलीफ हो तो दलितों के दिल में किस तरह से दर्द उठता है वो अपने दर्द से उनके दर्द को जोड़ते हैं और सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, शिक्षकों को तो कास्ट में नहीं बांटा जा सकता, लेकिन इमोशनली अगर इसे समझा जाए तो सबसे ज़्यादा जो देश के मुख्य निवासी है, जिसको मूल निवासी कहते हैं, वो देश के प्रति समर्पण के भाव अधिक रखते ही हैं, अपने देश के लिए चिंता करते हैं।
तो ये बिहार के लिए गौरव की बात है, नवादा के लिए गौरव की बात है, सिरदला के लिए गौरव की बात है, और सबसे बड़ी बात बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों के लिए गौरव की बात है, और जो नियोजित शिक्षक भविष्य में जो TET पास किए उनके लिए भी गौरव की बात है कि ऐसे शिक्षक के साथ उन्हें काम करने का अवसर मिलेगा, उनके ग्रुप में इस तरह के शिक्षक होंगे। शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बधाई हो। हम आपको कभी ये नहीं कहते कि हमारे चैनल के लिए आर्थिक सहायता कीजिए, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नवादा के हों तो खास करके, क्योंकि ये चैनल नवादा का ही है, एक तरह से हम नवादा के और ये भी नवादा से हैं, तो नवादा के लोग एकदम नहीं भूले, जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और ये वीडियो पसंद आया तो नवादा के हर घर घर में भेज दें। जितने नियोजित टीचर हैं, हम चाहते हैं कि नियोजित टीचर्स जिनको अपमानित किया जाता था वो दिखाएं कि हमारे बीच से ऐसे शिक्षक हैं जिनको कहा जाता था कि पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, नंबर पर बहाली कर लिया गया, तरह तमाम बातें इस तरह से अपमानित किया जाता था, जैसा कि चराजरीवा भी बोला जाता था। तो ऐसे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं हर घर में ये वीडियो जाना चाहिए। शुक्रिया पूरा अंत तक वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से राजेश जी। इसी तरह गौरव बनाए रखें, नवादा का मान बढ़ाए रखें, और आप अनुसूचित जाति से आते हैं इसलिए एक और गौरव की बात, आपने उस तमाम जो वर्ग है उसको गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। धन्यवाद।